बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होने के लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन नवादा के तस्वीर पोल खोलने के लिए काफी है। यहाँ इलाज तो छोड़ दीजिए, मरीजों के एम्बुलेंस तक की सुविधा नहीं मिल रही है। मामला गुरुवार की रात का है। किसी तरह मरीज को ठेले पर लेकर परिजन सदर अस्पताल तो पहुंचे, लेकिन यहाँ इलाज नहीं हो सका। सदर अस्पताल में ऑन ड्यूटी चिकित्सक के मरीज को बिना देखे रेफर कर दिया। बताया गया कि शहर में गढ़ पर मोहल्ला में शिव शंकर प्रसाद के पुत्र प्रिंस की तबीयत खराब हुई। एम्बुलेंस के लिए 102 पर वे फोन करते रहे, लेकिन जवाब नहीं मिला। आनंद फानंद में उसके पिता अस्पताल पहुंच गए। बीमार बेटे को परिवार के वह अन्य सदस्य ठेला पर लेकर अस्पताल आ रहे हैं। इसी बीच पिता ने पर्ची काट ली और वो डॉक्टर के पास चले गए। बीमार के बारे में बता रहे थे। पिता का आरोप है कि उनकी बात सुनते ही डॉक्टर ने पर्ची पर रेफर लिख दिया, कह दिया कि वो हड्डी के डॉक्टर है, इसलिए वो इलाज नहीं कर सकते हैं। परिजनों ने बताया कि प्रिंस की सुबह से ही तबीयत खराब थी, उसे बुखार लगा था और उसे मिर्गी का भी शिकायत थी। शाम में 4 बजे परिजन उसे सदर अस्पताल लेकर आए थे। उस समय बुखार की दवा दी गई और घर भेज दिया गया था। रात में आने के बाद फिर उन्होंने बिना देखे ही विमस रेफर कर दिया गया। परिजन बाद में प्राइवेट एम्बुलेंस में पावापुरी लेकर गए। इधर ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने बताया कि शाम करीब 4 बजे मरीज को लेकर परिजन आए थे। उस समय मरीज को देखने के बाद ही दवाई लिखी गई थी। अब तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है तो उसे विम्स के लिए रेफर किया गया है। आगे सिस्टर